किसानों के साथ, बेईमानी किसानों के साथ, बदसलूकी किसानों के साथ, भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबे मदमस्त अधिकारी। दरअसल किसान हित से जुड़ा हुआ ये मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का है। चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, किसानों पर फोकस करते हुए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन सरकारी तंत्र से जुड़े भ्रष्ट अधिकारियों के कारण धरातल पर इसकी स्थिति क्या है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। धान बेचल जाता तो पैसा देता, काटा हुए कितना पैसा मांग दिया? 1500 दे हाँ, 1000 हो हाँ। तो कर बात का काटा होते तो काटा होते। बीमा के जो राशि आते के अभी तक मिले नहीं है, और कर्मचारी मन है बीच में दबा के रख देते, और समझ नहीं आया कि पैसा आया नहीं है, खाता में चल दिया बोलते, खाता में जाओ बैंक में जाओ तो वहाँ आया नहीं है बोलते, यही सब घपला हुआ थे। शासन तो देवत सरकार देवत है, लेकिन यहाँ जो कर्मचारी जो बैठे हुए है हमारे सेवा सहकारी समिति कुम्हारी में, वहाँ के जो कर्मचारी है ए मन किसान के पैसा ला ऐठ के और अपन खास खास आदमी के ऊपर वो पैसा ला डाल के, ओकर बाद में डाले के बाद जब पैसा खाता में आते वो अंत में एकर कर्मचारी मन वो पैसा ला वापस मांगते, और व्यक्तिगत हित के लिए तब किसान ऊपर उठी कैसे पहला जाँच करे जा, तो ऐसे लगते की सरकार के बहुत पैसा गमन करे है यहाँ कर्मचारी मन है, यहाँ अधिकारी मन है, लेकिन जांच नहीं एक रिपोर्ट सामने आई। और मैं तो निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जैन योजना ला हमारे प्रधानमंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो भी योजना हमारे किसान मन लाते, किसान मन खुशहाल करे वो लाते, लेकिन यहाँ के कर्मचारी मन है मन मर्जी अपन तरीका से मजबूरन किसान न चाह करके भी बोला 2000-4000 रूपए वहाँ के कर्मचारी मन देते तब किसान के धान बिकते। देखिए धान की उपज करने वाला ये टीकाराम किसान है, हाल ही में बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 37,000 रुपए इसके बैंक खाते में आया, लेकिन यहाँ के कर्मचारी द्वारा इस किसान से ये कहकर पैसा मांग लिया जाता है कि धोखे से इसके खाते में पैसा चला गया, और बकायदा पूरे 37,000 रुपए भी ये भोला किसान दे देता है। लेकिन मामले का खुलासा होने के बाद इन अधिकारियों की जब पोल खोली कि ये हर साल किसानों से इसी तरह की ठगी करते हैं, तो ये किसान अपने हक का पैसा मांगने के लिए सीधे अधिकारी के पास पहुंच जाता है, तब जाकर इन्हें इनका पैसा लौटाया जाता है। वो बोली से कि तू खाता में पैसा डाले, मैं बात तो समझ नहीं पाया, मगर बाद में ना पैसा निकाल कर दे देना, अब वो बाद में पता चलता है कि जनऊ आदमी ना 15,000 रुपये आ रही थी, वो पैसा ना वो नहीं दी, वापस नहीं करी सुना, तब बोला डाउट है इसकी साले पैसा तो बोरे पैसा है, तब ओकर बाद घर में दो बार गया हूँ, वो बोलते हैं कि नहीं वो बीमा पैसा 15,000 तो बाकी पैसा मोर ऐसे नहीं हो सके। तब किसानों को पूरा मामला समझ में आया कि वो भी कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हुए हैं। इसके बाद सामूहिक रूप में किसान ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी की शिकायत भी करते हैं, लेकिन शिकायत पर इन्हें धमकी मिलती है कि इन्हें खाद धान खरीदी जैसे कई सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। भाई तो धान में साइन करे है तो धान नहीं बिके, खातो नहीं मिला है, ऐसे बोला थे इस बात समझे हाँ। तो आवेदन में क्या लिख के दे हो आप? आवेदन में लिख के देन कि भाई पैसा गड़बड़ दे रहा नहीं होना चाहिए करके, तो वो बाप दैद मोर बाड़ी में गिरी थे तो मैं नहीं रहता, नाती चमका दे। अच्छा हाँ भाई, ऐसे गलती नहीं करना चाहिए ना भाई, सही फैसला करना चाहिए सरकार ने, ऐसे आदमी रखे किसान के पीछे काम बन रहे तंग कर रहे जबरन। ये दुर्ग जिले के कुम्हारी का मामला है, यहाँ पर किसानों को परेशान करने और फर्जीवाड़ा की शिकायतें लगातार मिलती रही है, तंग आकर किसानों ने यहाँ मांग की है कि यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। सरकार आप किसानों के लिए कई योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन धरातल पर उसकी स्थिति क्या होती है इसकी आप मॉनिटरिंग नहीं कर पाते, जिससे सरकारी तंत्र से जुड़े कुछ भ्रष्ट अधिकारी इसका फायदा उठाते हैं और किसानों को परेशान करते हैं, सरकार इससे आपकी छवि भी खराब होती है। इस खबर को दिखाने का हमारा उद्देश्य किसी की छवि को खराब करना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारों को आईना दिखाना जरूर है। आईना के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सनक साहू के साथ अजय यादव की रिपोर्ट।